मॉर्निंग, इट्स डे 12 एंड वी आर हियर इन द तवांग। सो आगे का प्लान अभी जैकब सर एक्सप्लेन करेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। या सो वी आर स्टेइंग इन तवांग राइट नाउ एंड द लोकेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। वी आर राइट एट द टॉप ऑफ तवांग, यू कैन ओवरलुक द एंटायर प्लेस। व्हेन वी गेट आउट वी विल शो यू द प्लेस। आफ्टर दैट वी हैव टेकन द नेसेसरी परमिशंस फ्रॉम द आर्मी एंड ऑल। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट बमला पास। After that we'll come back, we'll meet somebody en route, and then we'll go to Sungetsar Lake. That's for plan for today. See, this is the outside view of our window, or you can see one of the Buddha statue here outside. There is our gate, and this is our room, and we are getting ready. So this is the rider's room, and we are staying here in a government circus house. This is my bed, and you can see the view up from my window. This is the view. We are on the way to Bumla Pass, and we are going towards to the Y Junction. ನಿಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು, ನಿಮ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ? सो नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर 14,300 feet हाइट। टी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे गुरुद्वारा है, वो ऊपर दिख रहा है गुरुद्वारा। बट गुरुद्वारे में जाने का अभी हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि चढ़ाई है और सांस फूल रही है हमारी, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, मतलब हालत ख़राब है। और ये सामने पूरा एकदम पीछे की तरफ लेक दिख रहा है, ये पूरा लेक है। और अभी मुझे गुरुद्वारे का प्रसाद भी मिल गया, तो प्रसाद वसाद खा लेते हैं। पीछे पूरा फ्रोजन लेक है, और ये मंजुनाथ भाई खा रहे हैं बिरयानी। ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। 14,000 किलोमीटर पे, 14,000 फीट पे, 14,000 फीट पे एक इतनी कोल्ड पे, ये सॉरी ये ऑक्सीजन की कमी का असर है। दिमाग कम चलता है। मेरा दिमाग ऐसा 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 कर रहा है, उसके बावजूद जैकब सर ने बिरयानी अरेंज किया है। वी आर रियली प्लीज टू हैव दिस एट दिस टाइम। ओह नो वर्ड्स एट ऑल टू से दिस विल बी आवर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई डोंट नो अगेन वी विल कम हियर, वी विल एक्सपीरियंस द सेम और नॉट, बट दिस इज अल्टीमेट। नथिंग मोर वी कैन आस्क देन दिस। Thank you, Jacob sir, for this wonderful biryani. Thanks all of you. We are as a team. We are here. No. आप तो नहीं, तो मैं नहीं आता। आप सुबह आके हमको बिरयानी अरेंज करके इतनी ऊंचाई पे, आप कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए इसके लिए, वो अल्टीमेट है। थैंक यू वेरी मच सर। सो फाइनली वी आर हैविंग अ बिरयानी ऑन 14,000+ feet एंड इज अ चिकन बिरयानी। और हमें और आगे जाने था, पर अभी बर्फ पड़ने लगी है। इफ़ आई टर्न द कैमरा यू कैन सी आइस। और बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। तो बिरयानी खा के हम वापस जा रहे हैं, फिर कल वापस आएंगे। मैं यहाँ पे जहाँ खड़ा हूँ, ये 14,700 feet की हाइट है, और यहाँ पे मतलब हमने खाना खाते समय बोला था कि यहाँ पे सांस फूल रही है और रुकना, बट वी आर स्टैंडिंग अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। और यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए हुए थे, तो इसको उदासी गुरुद्वारा बोलते हैं, जो कि फारसी का शब्द है। तो मुझे गुरुदेव सिंह ने अभी हिस्ट्री बताई, तो एक्चुअली मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ, ये यहाँ पे रह रहे हैं, इनको ये ट्रेंड नहीं है, बोल सकते हैं। तो बेटर होगा ये एक्सप्लेन करें गुरुद्वारे के बारे में। गुरुदेव जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो जो आप जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हो, ये गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहब पाकिस्तान में हुआ था।
वहाँ पर गुरु नानक देव जी के जन्म, पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता देवी था। और गुरु नानक देव जी ने क्या ने संसार की चार यात्रा की है, जिसे टूर के नाम से जाना जाता है, और इसी को फारसी में उदासी बोला जाता है। पहली उदासी जो गुरु नानक देव जी ने पंजाब की है, दूसरी जो उदासी जिसे यात्रा बोलते हैं वो पत्थर साहब लेह लद्दाख की है, और तीसरी यात्रा जो तिब्बत की है। और तिब्बत को जाते हुए गुरु नानक देव जी हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल से होते इस जगह पर रुकते हुए तिब्बत चाइना में गए थे। और उसी तीसरी यात्रा के ही दौरान गुरु नानक देव जी नेपाल भूटान से होते हुए इसी जगह पर एक साधु से बातचीत करते, उसको उपदेश बख्शिश करते हुए तिब्बत और चाइना में गए थे। और चौथी यात्रा जो मक्का मदीना की है, और तीसरी यात्रा के दौरान ही गुरु नानक देव जी कैलाश पर्वत मानसरोवर पर गए थे। और मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर गुरु नानक देव जी ने जो लामा गुरु है उनसे बातचीत की है। और 1514 ईस्वी में गुरु नानक देव जी जो महिमा में इस पूरे इलाके में फैल गई, आज भी जहाँ जो इतने भी गोम्पे हैं बुद्ध धर्म में, उसमें गुरु नानक देव जी की तस्वीरें लगी हुई है, और सभी गुरु नानक देव जी को नानक लामा के नाम से जानते हैं, और बुद्ध धर्म का तीसरा अवतार भी मानते हैं। और जहाँ से गुरु नानक देव जी आगे चाइना तिब्बत में गया, चाइना के अंदर एक सिटी का नाम नानक किंग रखा हुआ है, ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ पर गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु हुए हैं उनका दो बार इस जहाँ पर चरण पड़े हैं, और एक साधी को उन्होंने जहाँ पर ही उपदेश बख्शिश किया, और दो रात जहाँ पर रुककर गुरु नानक देव जी ने उसको सच का उपदेश बख्शिश किया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानण हुआ, जू कर सूरज निकलिया तारे छिपे अंधेर पुलोवा। जिमें सूरज के निकलने से तारे अलोप हो जाते हैं, वैसे ही गुरु नानक देव जी का इस संसार में आने से जितना भी अंधकार जो अंधविश्वास था वो खत्म हो गया। और उसके बाद करतारपुर में 1548 ईस्वी में गुरु नानक देव जी पंजाब जो आजकल पाकिस्तान, वहाँ पर गुरु जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, ज्योति जोत समा गए थे। ये था गुरु नानक देव जी का एक छोटा सा इतिहास। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो लकली हम जब अपनी यहाँ की तवांग की राइड पे हैं, मैं कर्नल, सो वी ऑल आर हियर, तो हमें यहाँ पे जो चाय मिली वो अल्टीमेट थी, हमें पता नहीं था। जब हमने यहाँ पे गुरुद्वारा देखा, ऊपर की तरफ वो दिख रहा है, वो टॉप पे है ना गुरुदेव जी, वो जो एकदम ऊपर, वो एकदम ऊपर वो दिख, ये सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये दिख रहा होगा। और वहाँ पे जो एकदम इस मेरी उंगली की और आगे वो पत्थर में वहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है, ये पूरा पैदल चल के जाना है। तो जो भी तीर्थयात्री आता है वो वहाँ पे पैदल चल के जाता है ऊपर। कुछ तीर्थयात्री जा भी रहे हैं, और हमारे मन तो बहुत है जाने का, कल हम फिर आने वाले हैं, हमने बाइकें यहीं पे छोड़ दी हैं। वहाँ पर ही जो बुद्ध धर्म के पद्मा सुभावन जी थे ने, उन्होंने तपस्या की हुई है बुद्ध धर्म के। हाँ, उन्होंने गुरु नानक देव जी को बुद्ध, महात्मा बुद्ध का तीसरा अवतार माना था। और यहाँ पर ही उनकी बातचीत हुई, एक गुफा टाइप बना हुआ है। हाँ, उसी टाइम से वो गुफा 1514 ईस्वी में। ओके, सो अभी हम लोगों ने यहीं पे अपनी बाइकें यहीं छोड़ दी हैं, हेलमेट वेलमेट हम छोड़ के जा रहे हैं, और ये कल हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि अभी बहुत ठंड हो गई है, हमें रुकना यहाँ पे अलाउ नहीं है, हाई अल्टीट्यूड की वजह से ये रूल है, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो अभी 3 बजे के बाद गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती, तो हमें पीछे जाना होगा, पर अपनी बाइकें हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ से किसी गाड़ी में लिफ्ट लेंगे जो कि यहाँ पर अरेंज हो रही है, और कल फिर आके हम इसको पूरा करेंगे। तो क्योंकि बाइक स्लिपरी हो रही थी, बंजी रोप बांधी, फिर भी 2 बार फेल हुआ, वो वीडियो में देखने को मिल जाएगा, बहुत ही टफ था। मतलब आदमी पैदल ज़्यादा तेज आता है, और यहाँ से ये लोग हमें खड़े होकर देख रहे थे। ये जो रास्ता दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ, ये लेक है, लेक के पीछे से वो रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते पे कम से कम यहाँ तक नीचे आने में 2-3 बार हम यहाँ पे गिरे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरी उदासी गुरु नानक देव। यहाँ पे जब हम आए तो ये इन लोगों ने हमें रोका और चाय वाय पिलाई, फिर हमने यहाँ पे खाना खाया, और फाइनली अभी फौजी गाड़ी आ रही है उसमें बैठ के हम लोग वापस जाएंगे। और प्लान तो ये है कि चाइना में जाकर 2-4 पत्थर मारा यार, देखते हैं, परमिशन तो मिली हुई है वहाँ तक बॉर्डर की जाने की, बट ठंड की वजह से हम लेट हो गए। बाइक का थोड़ा इशू आ गया था, मेरे जो स्टार्टर था वो काम नहीं कर रहा था, तो उसको रिप्लेसमेंट कराने में लगभग 2-3 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया, और कल हम फिर जल्दी स्टार्ट करेंगे बाइक, इसलिए यहाँ पर छोड़ रहे हैं। पीछे जगह है,
सो लग रहा है मैं इस गाड़ी में जगह में ये चेन बांधी हुई, यहाँ पे इतनी आइस है ना ट्रकों में। सो फाइनली हमें गाड़ी मिल गई है, ये आर्मी ट्रक। बहुत ठंड है भाई, जस्ट मैं ऐसा करना ग्लव्स तो ले लूँ मैं अपने ग्लव्स भूल गया। तो ये फाइनली इंडियन आर्मी यहाँ पे सब कुछ अरेंज करके रखती है, चाय, गर्म पानी, खाना पीना। धन्यवाद भाजी। तो पूरा असिस्टेंस हमारा चल रहा है यहाँ पे इंडियन आर्मी का, हम फौज में ही रुके। और ये टाटा व्हीकल फैक्ट्री, ये ट्रक में पूरे ये बांधे हुए हैं। तो अब हम लोग, हाँ, जिंदगी में पहली बार मिलिट्री ट्रक चढ़ रहा है। चलिए आपका चढ़ते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने हम तो इस ट्रक में बहुत बैठे हैं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, हम इसमें बैठे हैं। ओके, सो मंजुनाथ भाई पहली बार बैठ रहे हैं, जैसे नई नई दुल्हन जाती है ससुराल को वैसे ही जा रहे हैं ट्रक में, फर्स्ट टाइम फौज के। वाह मंजुनाथ भाई, अभी आपको नारा भी लगाना पड़ेगा, कौन सा? गुड, भारत माता की जय वाला। अब मंजुनाथ भाई कस के लगाना पड़ेगा नारा, भारत माता की जय वाला। अभी मैं बोलूंगा भारत माता की तो बहुत तेज चोला है आपको मंजुनाथ भाई, जय मंजुनाथ भाई, भारत माता की। हाँ, आपका जो साया नहीं तेज। आप चढ़िए, बना रहा हूँ। कहाँ तक जाओगे सर? ये जा रहा है आर्मी से रिटायर होने के बाद कर्नल, आप पहली बार चढ़ रहे हो ट्रक में? हाँ, अंदर कैसे? Hey, you can, huh. You can come at it, please. I'm happy here, no problem. So, Manjuna bhai, finally, truck mein baithe hain. Lag jayega. Haan ji, abhi jayega. Ye jagah hai, hamara isi. Haan, dhoop. Ye boss hai. Hamein jaakar sir, ye wala chashma bhi lena padega. Haan. Ye wala chashma bahut चमक रहा था। कैमरा है मंजुनाथ भाई, कैसा लग रहा है आपको? चलो बोलो, चलो आप लोग, लाइफ टाइम में ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा। मैं सिविलियन, इनके साथ आप ही तो जैकब सर, मतलब अफसर के बाद पहली बार बैठे होंगे इसमें ट्रक में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत साल हो गए। सही है। सो गाइज, वी आर हियर इन द आर्मी ट्रक। बाइक जैसा हमने बताया छोड़ दिया है और हम आर्मी ट्रक में बैठ के जा रहे हैं क्योंकि बाइक चलाने में हालत खराब हो गई थी। बहुत ही लो एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन बिल्कुल कम है। अब कल फिर से आएंगे। पहले अभी हमने बाइक से पूरा किया था, अब ये वो, ये सामने गुरुद्वारा दिख रहा होगा। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे से वापस, जिसमें जैकब सर इतनी बार सरके हैं, दो तीन बार मैं गिरा हूँ, मतलब आइस दो बार मैं गिरा हूँ। वहाँ से वो गुरुद्वारे से लोग देख रहे थे यार, सही, हम तो देख रहे थे सर जी की मतलब पैदा आएगा आदमी जल्दी। और भाई वो चार पहिया गाड़ी जो फिर भी आसान है, उन्होंने रोका, आप लोग रुक जाओ, चार पानी निकल रहे हैं फोन आपके साथ। We'll be right back.
हियर इन अ तवांग, और तवांग में आज बताया कि हम लोग बाइक वहाँ पे छोड़ के आ गए, बट स्टिल वी आर इन द राइडिंग गियर्स। तो हमें परमिशन भी मिल गई है कल बाइक चलाने की, बट आज मेरी बाइक का क्या बोलते हैं स्टार्टर खराब हो गया था, सो वी कॉल्ड अ मिलो बिकॉज एक हफ्ते से वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट हिम, ही इज़ हियर इन द तवांग पोस्टेड राइट नाउ। तो लकली आज टफ सिचुएशन में इन्होंने फोन उठा लिया एंड ही एंड मंजुनाथ भाई वेंट एंड बाइक का जो स्टार्टर का होता है उसको चेंज करा दिया। तो मंजुनाथ भाई ने कुछ फोटो तो लिए हैं तो बीच में हम डाल देंगे वीडियोस में, एंड मिलो एंड सुबह, सो दीज टू गाइज विथ अस, एंड उनको हमने अभी बाइकिंग कमिटी ऑफ इंडिया का फ्लैग दिया है। वेयर इज द फ्लैग ब्रो? आई हैव द फ्लैग हियर विद मी, सो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फ्लैग वी आर गिविंग इन द अरुणाचल प्रदेश, एवरी स्टेट वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दिस इज द फ्लैग for the Arunachal Pradesh, is not for the any individual one, but Milo is representing here, so we are giving him a Milo. So, and इन्होंने phone नहीं उठाया, last one week we are trying, so we are not carrying a t-shirts, t-shirt हम पीछे छोड़ देंगे, इनको collect करना होगा या मंगवाना होगा, that is his responsibility, but for you people t-shirts is already there, क्योंकि जितनी हम चढ़ाई पे आते हैं सामान कम करते जाते हैं, हमने सामान अपना छोड़ दिया। मंजुनाथ भाई, चेकअप सर, तो अभी लोग कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें लेके आए हुए हैं हमारे लिए, जैसे ये गिफ्ट्स हैं कुछ, ये हमें आसाम में भी मिला था। कैन यू टेल अबाउट दिस वन, की ये क्या है थोड़ा सा, मतलब इसका हिस्ट्री, ट्रेडिशन, व्हाट इज द थिंग? दिस इज कॉल्ड खादा। क्या दिस इज कॉल्ड खादा इन मुम्पा ट्राइब, दिस इज कॉल्ड खादा इन तवांग, द व्हेनेवर पीपल अराइव दिस जस्ट टू लाइक ऑनर द पीपल, वी लाइक गिव देम दिस खादा। So, and this colors, it has some meanings. It's kind of an elements of this universe. Yeah. So this red color represents fire. Okay. And this yellow color, I have a yellow color soil. And this blue is the sky. Okay. So just to welcome you all to Tawang in Arunachal, I'm going to give this all to you. I'll start with Jacob, sir. Okay. He's on. He's holding the camera. Thank you very much. Thank you very much. Lovely. Welcome to Arunachal. Welcome to Tawang. Thank you. Yeah. And we'll start with. Where's the air clean? Welcome to Arunachal. Thank you. Welcome to Tawang. Photo click on it? No. Thank you very much. It's on. Just click. Welcome to Arunachal. Welcome to Tawang. Thanks, bro. Yeah. बहुत सही।